अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम स्किन केयर एंड केयर विद डॉक्टर मुबशिर डाहा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया इरफान। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर साहब अपनी डर्मा ट्रेनिंग के सिलसिले में इस वक्त यूएस में मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि इस ट्रेनिंग के अख्ताम पे हम रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए डॉक्टर साहब बड़ी नई नई चीज़ें लेके आएंगे। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सादिया। तो सर बताइए, आप अपना ट्रेनिंग आपकी कैसी जा रही है और कब आपने वापस आना है? अब मेरा ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज गॉन वेरी वेल और बड़ी अच्छी चीजें यहाँ पे लर्न करने को मिली हैं और नई नई चीजें सीखी हैं मैंने यहाँ पे, और अच्छा मेरा एक मतलब एक्सपोजर भी रहा है, नई न्यू स्किल्स भी सीखी हैं, और वापसी का मेरा प्लान है, एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह आई विल फ्लाई बैक टुनाइट और मैं हफ्ते को सुबह पहुंचूंगा इस्लामाबाद। ठीक है डॉक्टर साहब, चलें आपकी इस डर्मा के जो भी ट्रेनिंग है और उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं उस पर तो हम पिछले प्रोग्राम से भी बहुत बात कर चुके हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इस वक्त जिस टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो टॉपिक है फुलबहरी, बर्स और चंबल, जिसको सोराइसिस विटिलाइगो ये कहते हैं। आप मुझे बताएं ये है क्या चीज़। देखिए, अगर हम इसको स्टेप वाइज लेके चलें तो जो विटिलाइगो है वो है जिसको हम आम जबान में, आपने खुद बता दिया कि फुलबेरी कहते हैं, तो फुलबेरी है कि विटिलाइगो जो जिस्म के ऊपर सफेद से निशान बन जाते हैं और हमारी पॉपुलेशन में ये बहुत कॉमन है कि जिस्म के ऊपर सफेद निशान बन जाते हैं, ऐसा होता है कि वो एक्सपोज पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते हैं, पार्ट्स हम उनको बोलते हैं कि जिस तरह के हाथ हैं हमारे, फेस है हमारा, कि जो नज़र आ रहे होते हैं, ये कॉस्मेटिकली बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, इवन के लोग सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो होता है और दे डोंट फील कंफर्टेबल इन पब्लिक, तो ये बीमारी है, इसको हम विटिलाइगो कहते हैं। और जो सोराइसिस है, सोराइसिस इसको चंबल बोलते हैं, तो ये एक निशान से बन जाते हैं, इसमें खारिश होती है, दो के ये दोनों जो बीमारियाँ हैं ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, और चंबल जो है उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग वहाँ पर इस्लामाबाद, और इसका विटिलाइगो का भी ट्रीटमेंट। तो मुझे सर ये बताइए कि अभी आपने जो कोर्सेज वगैरह किए हैं इस हवाले से भी आप लोगों की कोई जदीद इसमें तहकीक हुई है, कोई इसका इलाज कोई जी बिल्कुल डिफरेंट किस्म का? बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे है मिसालिया के जो यहाँ पे आके मैंने देखा है अमेरिका में, अमेरिका में इसका बड़े लेटेस्ट पैटर्न पे ट्रीटमेंट हुआ है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है ना काबिल इलाज बीमारियाँ नहीं है, जिसको हमने स्पेशली अगर हम बात करते हैं विटिलाइगो की, तो विटिलाइगो ये है कि हम वहाँ पे जनरल कंसेप्ट हमारा ये है कि जी कि अगर विटिलाइगो हो गया है तो उसमें ठीक नहीं होना, उसने आपके साथ ही रहना है, तो लेकिन यहाँ आके मैंने देखा है कि यहाँ पे इस तरह से नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर स्किन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, फोटोथेरेपी हो रही है, फोटो मेडिसिन बहुत एडवांस है यहाँ पे, काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो यहाँ पे न्यू लॉन्च हो चुकी हुई है वो भी विटिलाइगो में इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें मैंने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया है, देखा भी है, सीखा भी है कि ये जो बीमारियां हैं इनका भी इलाज मौजूद है, अगर इसको कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए या मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। विटिलाइगो का सबसे बड़ा मसला इस बात पे आता है कि विटिलाइगो एक जगह पे तो ठीक हो जाती है लेकिन उसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं, अब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल हाथ के एक हाथ के ऊपर हुई है और उसको ठीक कर दिया गया है तो दूसरे हाथ के ऊपर भी उसकी होने के चांसेस उतने ही होते हैं और हो भी सकती है, लेकिन क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कॉस्मेटिक इम्पैक्ट आता है कि अगर हाथ के ऊपर सफेद निशान बने हुए इस तरह के, तो वो लोग जिनको ये विटिलाइगो होती है या जो वो लोग जो इस चीज़ को फेस करते हैं वो बड़े ही इसमें मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, सेल्फ इस्टीम बड़ी कम होती है उनमें, और नॉर्मल जो एक वे ऑफ लाइफ है उसको वो स्पेंड नहीं कर पाते, और विटिलाइगो का स्टिग्माटाइज कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी में और सराउंडिंग की लोगों की तरफ से, तो इसलिए इसका इलाज बड़ा जरूरी है, और यहाँ पे आके मैंने देखा कि यहाँ पे तो इसका इलाज हो रहा है, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान आके भी इसका इलाज स्टार्ट करूंगा ताकि हम अपने लोगों को उस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकें जो अमेरिका की मेडिकल सर्विसेज हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त खुशखबरी सुना दी है कि ये जो बर्स है, विटिलाइगो है, इसका इलाज मौजूद है और अगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया जाए तो इसका बिल्कुल ये काबिल इलाज जो है मर्ज है। तो मुझे ये बताइए ये एक बीमारी है या फिर किसी चीज़ की वजह से ये होती है? मैं अभी विटिलाइगो की बात कर रही हूँ, बर्स की। अच्छा, विटिलाइगो की अगर हम बात करें तो ये हमारे यहाँ जनरल कंसेप्ट है कि जी कि अगर हमने
मछली खाई है और उसके ऊपर दूध पी लिया जी तो जी हमारे ये बर्स हो जाती है या व्हाइट लाइगो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाइट लाइगो एक प्रॉपर बीमारी है जिसको हम जो कैटेगराइज करते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज में हम शामिल करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज अगर हम मैं सादा जबान में समझाऊँ तो वो ये है कि हमारा अपना जो मुदाफ़ती या इम्यून सिस्टम निज़ाम होता है वो बॉडी के अगेंस्ट कुछ एक्ट कर जाता है जिसकी वजह से इस तरह की डिजीज होती है। लेकिन अगेन कि हमने उसको कंट्रोल करना होता है और उसके बाद जाके हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो मतलब ये बीमारी है, इससे ऐसा कुछ नहीं होता जी कि ये फलां चीज से हो गया फलां चीज से हो गया, प्रॉपर ये डिजीज है और इसके डिजीज की प्रॉपर रीजन है जिसकी वजह से होती है। लेकिन ये कि खुशी की बात यह कि ये काबिल इलाज है, इसका इलाज हो सकता है और जिनको व्हाइट लाइगो का मसला हो वो बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, सोराइसिस या चंबल ये क्या है और इसका क्या इलाज है और इसकी रीजंस क्या हैं और इसका इलाज कितने हद तक मौसर हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसे है। जो सोराइसिस की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में सोराइसिस भी बहुत कॉमन है और सोराइसिस को भी काफ़ी सारे लोग फेस कर रहे हैं। सोराइसिस का ये होता है कि वो चंबल, आम जबान में आपने सुना भी होगा कि वो अक्सर पाँव पे हो जाता है या घुटने और जो कोहनी है ना यहाँ पे इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब इस जगह पे हो जाता है तो उसको फर्दर फिर हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों को हमें ये समझाना पड़ता है कि ये जो बीमारी है ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज कराएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अगेन इसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं। तो मतलब ये कि ये बताना भी जरूरी है पब्लिक को, और मैं अक्सर बताता भी हूँ जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कि अगर हम इसका इलाज करेंगे तो इलाज के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा भी हो सकती है, तो आपने घबराना नहीं है। तो ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है और ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च हुई है, प्रॉपर काम हुआ है और इन लोगों ने बड़ी लेटेस्ट और एडवांस मेडिसन जो है वो डिस्कवर की हैं और बनाई हैं। वो मेडिसिन, उस मेडिसिन के उससे क्या कहते हैं, उन मेडिसिन से ट्रीट करके ये लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। तो मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था वो यही था कि मेरी इस ट्रेनिंग का मकसद ये था कि मैं ऐसे डिजीजेज या ऐसी बीमारियों के बारे में यहाँ पर आकर ट्रेनिंग दूँ या लर्न करूँ या सीखूँ कि जिनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है या पाकिस्तान में नहीं हो रहा। आपको एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी बहुत काबिल हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के डॉक्टर नॉलेज नहीं है या इल्म नहीं है या उनकी कॉम्पिटेंसी पर कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं यहाँ पे लोगों के पास उन तक एक्सेस है जिसकी वजह से वो यहाँ पे करना आसान हो जाए, इसलिए उनकी जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है उसको बेहतर रखने के लिए या अपने हेल्थ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इस तरह की मेडिसिन और इस तरह के इलाज को फॉलो करें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो चंबल या सोराइसिस ये जो बीमारी है, इसमें एज का कोई लिमिट होती है या फिर जिन्स की भी कोई लिमिट होती है कि बच्चों को होगी, बूढ़ों को होगी, औरतों को होगी, या रंग नस्ल की कोई भी इसमें है तफरीक? नहीं बिल्कुल, जो सोराइसिस है ये किसी भी रेस रीजन एज और जो जेंडर है ना इसके ऊपर स्पेसिफाई नहीं है या इससे रिलेट नहीं करती। मतलब सोराइसिस किसी को भी हो सकती है, और किसी मेल को भी भी हो एज में सकती हो सकती है, है, वो मेल को भी हो सकती है, वो फीमेल को भी हो सकती और है, किसी भी एज तो में इस हो सकती है। किसी भी एज में हो सकती है, ठीक उसमें है। ये और नहीं होता दूसरा ये जी। बताइएगा, ये अलबत्त ये कंटेजियस तो नहीं हमारी है? प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको सोराइसिस बहुत कम होती है, ओके। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस, उनको बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन चूंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जब आप एक लाइफ स्पेंड करते हैं बॉडी हमारी पूरे सिस्टम में होती है तब जाके इसके होने के चांसेस होते हैं और ये भी हो भी सकती है। और दूसरा ये बताइएगा, कंटेजियस है मतलब एक से दूसरे को लगती है कि नहीं लगती? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये है कि जो सोराइसिस और व्हाइट लाइगो दोनों जो है ना ये नॉन कंटेजियस है, ये कंटेजियस नहीं है कि आपने किसी को हाथ मिला लिया तो सोराइसिस हाँ हो गई है, आप हाथ मिला लिया तो उसको आगे से व्हाइट लाइगो हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है और इनका सिस्टम जो है या इनका जो ओरिजिन है वो अपनी बॉडी के अंदर से ही होता है, तो इसलिए ये इस तरह से नहीं कि जिनके साथ वाले को किसी को लग जाएगी या किसी को आपके आपसे किसी को ट्रांसफर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। सोराइसिस में भी नहीं होता और व्हाइट लाइगो में भी नहीं होता। और सोराइसिस का मैंने ये सुना था, कहते हैं ये इनहेरिटेड होती है, मतलब मोरसी होती है, अगर आपके मतलब फादर को हो या फैमिली में बड़े किसी को हो, जिस तरह डायबिटीज़ का होता है, हार्ट पेशेंट का होता है, अगर पिछली हिस्ट्री मौजूद हो तो आगे भी होती है। सोराइसिस का भी यही वो है इसमें? जी बिल्कुल, जो सोराइसिस का है और सोराइसिस में तो यकीनन टेंडेंसी तो होती है, मतलब ये कि जो आगे
जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में एग्जैक्टली ट्रांसफर होने की काफ़ी हद तक चांसेस हैं। उसी बात है सेम इस केस विद वाइट लाइगो, वाइट लाइगो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एक हद तक इन दोनों बीमारियों का इनहेरिटेंस के साथ एक वो है रिलेशन है और इनहेरिटेंस के थ्रू ही ये ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा दौरानिया कितना है, इसका जो इलाज है उसका दौरानिया कितना है, वाइटिलाइगो का हो या फिर सोराइसिस का? व्हाइट लाइगो और सोराइसिस के जो इलाज है वो डिफरेंट है। अगर हम व्हाइट लाइगो की बात करते हैं तो व्हाइट लाइगो के इलाज के ऊपर जब स्टार्ट करते हैं तो वो फिर हमने हमारा मेडिकल में या फिर यहाँ पे अमेरिका में मैंने देखा कि यहाँ की भी प्रोटोकॉल ही है कि वो फर्स्ट लाइन थेरेपी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी हम उसको बोलते हैं कि जो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर ये इलाज करें ये ठीक हो गया, इससे ठीक हुआ तो ठीक, वरना हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो इस तरह से हम वो जब पहला स्टेप फॉलो करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, तो एंड में जाके हमने देखना होता है कि हम लास्ट हमारे पास क्या ऑप्शन बच गई है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचती है कि हम उसमें स्किन ग्राफ्टिंग की तरफ से, हम पहले सारे अगर ट्राई कर चुके हो गए मेडिसन या जो हमने हमारे पास तरीके इलाज मौजूद है, तो फिर हम स्किन ग्राफ्टिंग की तरफ जाते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग इसका लास्ट रिजॉर्ट है। बाकी जहां तक बात की आपने कि कितना टाइम लगता है, टाइम ड्यूरेशन हम इस तरह से नहीं बता सकते, वो फिर ये भी डिपेंड करता है ना कि व्हाइट लाइगो ने कितने एरिया को मुतासिर किया हुआ है और कितना जब दोबारा इसकी रिकरेंस कितनी स्पीड से हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही है, सारी चीजें देख के ही हम कुछ इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाइट लाइगो या फिर इसका जो तरीका इलाज है वो कितना टाइम। अगर हम बात करते हैं सोराइसिस, तो सोराइसिस भी इटसेल्फ उसका भी इस तरह से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि सोराइसिस जो है वो उसमें कितना टाइम लगेगा उसके ठीक होने में। अगेन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कितना एरिया ऑफ बॉडी इन्वॉल्व है, कौन सी टाइप है सोराइसिस की और कितना वो आपकी लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब कर रही है, कितना आपकी रूटीन लाइफ को हिंडर कर रही है। तो सारी चीजें देख के ही हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि इलाज के ऊपर कितना टाइम लगेगा। अगेन फिर एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इन दोनों बीमारियों के लिए कि हम जब स्टार्ट करते हैं इलाज करना तो फिर हम देखते हैं कि पेशेंट को जो हम इलाज दे रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है जो रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी है वो हर इंसान का डिफरेंट होता है। ये पॉसिबिलिटी होती है जी कि आपका इलाज किया जाए आप जल्दी ठीक हो जाए, मेरा इलाज किया जाए मुझे बहुत टाइम लग जाए, तो इट डिपेंड्स है। इसलिए हम इसको कोई डिफाइंड टाइमलाइन या डिफाइंड पीरियड नहीं बता सकते कि इस दौरान ही अगर इलाज करेंगे तो 6 महीनों में, 2 महीने में, 3 महीनों में ये ठीक हो जाएगा। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये बताइएगा कि जो स्टैटिक के दूसरे प्रोसीजर्स हैं बड़े महंगे होते हैं और आम बंदे की पहुंच में नहीं होते, तो ज़्यादातर वही लोग जिनकी मतलब पॉकेट उनको परमिट करती है वही लोग करवाते हैं। अब ये जो सोराइसिस हो गया और जो फुलबेरी और ये जो हो गया चंबल, ये तो एक आम बंदे को भी हो सकता है, गरीब बंदे को भी हो सकते हैं, तो इसका इलाज सस्ता है, महंगा है, अफोर्डेबल है आम पब्लिक के लिए कि नहीं? अच्छा, ये बिल्कुल बड़ा आपने रिलेवेंट क्वेश्चन किया है इसमें कि जो इसका इलाज है जो यहाँ पे मैंने सीखा है देखा है, इलाज इसका एक्सपेंसिव है। अगर तो हम फॉर एग्जाम्पल इसके उस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं जो प्रोटोकॉल यहाँ फॉलो हो रहे हैं या फिर जो मेडिसिन यहाँ फॉलो हो रही हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उनको अफोर्ड करना इतना ईजी नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये बीमारी तो किससे पूछ के नहीं आती। अब सोराइसिस अगर किसी को होना है किसी की एम्बॉडीमेंट टेंडेंसी है सोराइसिस होने की, तो वो ये तो नहीं देखेगी कि जी के आगे इंसान जिसको मैं हो रही हूँ वो अमीर है या गरीब है। और सोराइसिस एक हद तक आपको चीज, सोराइसिस जो है वो एक हद तक रिलेट करती है टेंशन के साथ या एंग्जाइटी के साथ या डिप्रेशन के साथ। अगर ज्यादा टेंस होंगे, ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा एंग्जाइटी होगी, सोराइसिस बढ़ जाती है, फ्लेयर अप हो जाती है। इसलिए मतलब जो हम बात करते हैं कि एक इंसान अगर गरीब है तो वो क्या उसमें टेंडेंसी है सोराइसिस की, बिल्कुल उसमें भी होती है सोराइसिस, वाइटिलाइगो भी उसमें होती है। अगेन अगर हम इलाज की बात करते हैं, इलाज अगर हम ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करें जो अमेरिका में कर रहे हैं, ये वाली मेडिसिन यूज करें जो अमेरिका वाले कर रहे हैं, ये काफी एक्सपेंसिव है। मतलब इसको अफोर्ड करना हर इंसान को उसमें नहीं होगा तो जी कि वो हर इंसान इसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है और इसका जो प्रोटोकॉल है वो भी एक्सपेंसिव है। हाँ अलबत्ता ये है कि जो मेडिसिन हम पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं इन दोनों के लिए, वाइटिलाइगो के लिए भी और सोराइसिस के लिए भी, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि हम उनको कहें कि जी के वो अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे जो हम मेडिसिन देते हैं वो वहाँ की नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
का आगाज़ करते हैं उधर से ही जहाँ से डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला टूटा था। तो डॉक्टर साहब अब मुझे ये बताइए कि चंबल या फुलबेरी ये जो बीमारी है इसका मौसम के साथ भी कोई ताल्लुक है कि सीज़न चेंज होने के साथ इसमें भी कुछ ये शदीद हो जाएगी, सीवियर होएगी या कम होएगी? नहीं देखिए, इस तरह से इसका मौसम के साथ तो वाइटलाइगो का या सोराइसिस का, दोनों का मौसम के साथ उस तरह से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, बता ये हो सकता है कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी सोराइसिस की, तो सर्दियों में हमारी स्किन वैसे भी ड्राई हो रही होती है और सोराइसिस की वैसे इचिंग भी होती है, ख़ारिश होती है, तो उस ड्राइनेस की वजह से हल्की सी इचिंग बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। अदरवाइज इस तरह से नहीं कि जी सर्दियों में ये बढ़ जाएगी या सर्दियों में होगी और गर्मियों में नहीं होगी। इस तरह से वाइटलाइगो जो है सर्दियों में होगी या गर्मियों में नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मौसम के साथ इस तरह से कोई रिलेशन नहीं है। खाने और खाने पीने के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है? पीने के साथ नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की मैंने आपको बात बताई है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो वाइटलाइगो है, वाइटलाइगो तो कंपेरेटिवली कम, लेकिन जो सोराइसिस है वो काफी हद तक रिलेट करती है स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस के साथ मतलब अगर आप परेशान हो, किसी जहनी तनाव का शिकार हो, तो ये बीमारी और बढ़ जाती है, शदीद हो जाती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि आप ये जो ट्रेनिंग के आपने एस्थेटिक के जो भी नए प्रोसीजर्स किए हैं इससे हमारी आवाम को कितना फ़ायदा होगा? और ये वहाँ पे तो बहुत महंगे इलाज हैं, तो पाकिस्तान में आप लोगों को मतलब बेहतर तरीके से सस्ते उसमें करके कैसे आप वो सर्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैडम, जो अमेरिका में आके मैंने सीखा है यहाँ पे, एक तो ये कि क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जो स्किल्स हैं वो फॉलो की जाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की जो है, ये एक ऐसी लीगल अथॉरिटी है जो कि पूरी दुनिया के लिए प्रॉपर और जो इसके रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में। मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मेडिसिन में या मेडिकल में हमारा ये होता है कि अगर कोई भी नया प्रोसीजर आया है, कोई भी नई टेक्निक आई है, कोई भी नई इक्विपमेंट आया है, कोई नई मेडिसिन आया है, कुछ भी हुआ है, तो उसकी जो अप्रूवल है ना ये FDA देता है। और चूंकि ये अमेरिका बेस्ड है, अमेरिकन बेस्ड है और ये अमेरिका में ही है ये वाली FDA अथॉरिटी जो है, तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं उसी के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये हो जाता है कि मे बी हम लेवल फॉलो ना कर पा रहे हो वहाँ पर पाकिस्तान में, लेकिन मैंने जो यहाँ पे सीखा है तो उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए मैंने चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे। तो मुझे अब प्लस पॉइंट ये होगा कि जब मैं वापस आऊँगा तो पाकिस्तान के जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जो पेशेंट्स हैं, हमारी जो नेशन है, उसको मैं उसी पैटर्न पे और उसी स्टैंडर्ड पे ही सर्व कर सकूंगा। बट आपके कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंसिव होते हैं और यहाँ पे तो वैसे बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि यहाँ पे अगर हम एक प्रोसीजर कराते हैं तो उसके जो चार्जेस यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक हेयर ट्रांसप्लांट की, हेयर ट्रांसप्लांट अगर यहाँ पे जितना वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 500 ग्राफ्ट लगाते हैं, तो उसके चार्जेस यहाँ पे 500 ग्राफ्ट के अराउंड $10,000 हैं। $10,000 की बात करें तो दैट इज 30 लाख रुपीज, क्योंकि पाकिस्तान में हम बहुत कम चार्ज करते हैं। इस तरह से PRP की बात करते हैं तो PRP का यहाँ पे $700 चार्ज किया जाता है, जो कि 2,10,000 बनते हैं। पाकिस्तान में हार्डली उसका 20 से 25,000 चार्ज करते हैं। हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मैं क्या अब वहाँ पे आके मैंने ये करने हैं अपनी पब्लिक को, इसी अमेरिकन स्टैंडर्ड की सर्विसेज हमने उनको पाकिस्तानी रेट से प्रोवाइड करनी है। मेरे यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मैं ये ऐसी चीज़ें सीख के आऊँ वहाँ पे, ऐसी चीज़ें लर्न करूँ, यहाँ से लर्न करके वापस आऊँ कि पाकिस्तान में आके लोगों को उस पैटर्न पर उस सेंटर पर जाके सर्व करूँ। ये है कि इंशाल्लाह मैं जब वापस आऊँगा और मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट करूँगा, वहाँ पे आके मैं आप अपने आवाम को उस पैटर्न पे जाके और उस लेवल पे जाके सर्व करूँगा। लेकिन जो मशीनें होंगी वो तो अमेरिकन ही होंगी, जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे वो अमेरिकन ही होगा, तो ख़र्चा तो आपका फिर उतना ही पड़ेगा ना? देखिए बिल्कुल मैडम, आपने अच्छा सवाल किया है। इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा जो क्लिनिक है वो ब्यूटी एस्थेटिक्स क्लिनिक है F7 मरकज में, जिनाह सुपर मार्केट, और ब्यूटी एस्थेटिक है हमारा नाम, और स्किन लेजर एंड डेंटल क्लिनिक के नाम से हम लोग वहाँ पे मतलब अपना डिस्प्ले किया। और हमने मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे पास इक्विपमेंट और मशीनरी है और जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो अमेरिकन ही हैं हमारे पास। अब वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो सारा अमेरिकन स्टैंडर्ड है। जो मैंने यहाँ पे आके चीज़ें देखी हैं तो वही चीज़ें हमारे पास पाकिस्तान में आने के लिए अवेलेबल है। एट टाइम ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जी कि आपके एक्सपेंडिचर और आपके चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो दूसरे सेट है कितने का, वहाँ पे हमारे जो चार्जेस हैं वो इससे ज़्यादा नहीं है कि जी कि हमारे कोई हम पब्लिक से ज़्यादा चार्ज करना चाहते हैं। तो हम आपको सर्विसेज वहाँ दे रहे हैं वो भी इसी स्टैंडर्ड की ही हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें,
जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो भी अमेरिकन लेवल का इक्विपमेंट यूज हो रहा है वहाँ पे, मशीनरी यूज हो रही है, लेजर मशीन यूज हो रही है। इसलिए हम जो वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो मशीन्स की बात आपने की है, तो मशीन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और अगर जरूरत पड़ी मुझे कि मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आके मुझे मजीद मशीन इंस्टॉल करने की जरूरत है, वी विल गो फॉर दैट। तो बता ये है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे, हम कोशिश करते हैं कि हम जो है ना कंपेरेटिवली सस्ती प्रोडक्ट्स लेके ना लोगों को सस्ती उसमें प्रोसीजर करके दें या कम रेट्स में करके दें। प्रोडक्ट्स के हवाले से हमारे पास ऑप्शन होती है, हम अगर अमेरिकन यूज करें या कोरियन यूज करें या यूरोपियन यूज करें, उस हवाले से उस मामले में हमारे पास ऑप्शन होती है। बट अगेन मैं आपको बताऊं कि हमारे क्लिनिक में, यूके सेटअप पे, हमारे पास ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज भी अवेलेबल है, और जो स्किल्स की कमी थी थोड़ी बहुत अगर थी भी सही, तो वो मैंने यहाँ पे सीखी है, और वहाँ आके हम आपको इसी अमेरिकन स्टैंडर्ड पे सर्व करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी रेट्स पे सर्व करेंगे, पाकिस्तानी रेट्स में वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से चार्ज नहीं करेंगे जो कि यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्वालिटी जो है उसको तो आप मेंटेन करेंगे, अपने सर्विस चार्जेस जो हैं उसमें आप आवाम के साथ, जाहिर बात है महंगाई का दौर है और लोगों की जो है अफोर्डेबिलिटी इस वक्त इतनी ज़्यादा है भी नहीं है कि इतने महंगे जो प्रोसीजर्स हैं उसको अफोर्ड कर सके, तो सर्विस चार्जेस में आप लोगों के साथ थोड़ी रियायत करेंगे और क्वालिटी वही बेहतरीन आप प्रोवाइड करेंगे। क्वालिटी हम ये जो यहाँ पे फॉलो की जा रही है, यहाँ की क्वालिटी है सर्विसेज की, और हम उनको पाकिस्तानी रेट्स में वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये सारे जो स्टैटिक के प्रोसीजर्स हैं ये मतलब ये वही वाले होंगे जो कि सर्जरी से हट के होंगे और एक टॉपिकल क्रीम के साथ, जनरल एनेस्थीसिया से हट के जो एक लोकल नंबिंग के साथ आप लोग प्रोवाइड करेंगे, ये सारे वही प्रोसीजर्स होते हैं ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जो प्रोसीजर्स हैं वो फिर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसीजर रिक्वायर्ड है और किस किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। देखिए हमारे डर्मेटोलॉजी में हमारा कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि जिसमें हम अपने क्लाइंट को या पेशेंट को बेहोश कर दिया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे पास। वो जो करते हैं वो सर्जन करते हैं। हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग नमिंग क्रीम लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल जिस हेयर ट्रांसप्लांट है उसमें हम जाइलोकेन इंजेक्शन यूज कर लेते हैं, जो कि लोकल इंजेक्शन होता है, उसमें भी आपकी आप कॉन्शियस होते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रोसीजर जितने भी हैं, चाहे वो फिलर है, चाहे वो बोटॉक्स है, चाहे वो थ्रेड्स हैं, चाहे जो कुछ भी है हम लोग कर रहे हैं, सारे के सारे जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर है कि हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में वो प्रोसीजर एनेस्थीसिया करते हैं, हम उसमें नमिंग नहीं करते, और हम उसमें जीए या जिसको जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जब बेहोश करना बोलते हैं, वो हम नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत सी काम की चीज़ें जो हैं हमारे नाज़रीन को भी और मुझे भी और बाकी लोगों को भी सीखने को मिली हैं, और आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं अब वापस आप आएंगे इंशाल्लाह, उससे हम अवेल भी करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, ब्यूटी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम यूज़ भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी।